मनुष्यों के लिए यह असंभव है, लेकिन ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। सबों को जय यीशु ख्रिस्त में। प्रिय भाइयों और बहनों, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 23 से 30 में प्रभु येसु धन की चुनौतियों और शिष्यत्व के बारे में बात करते हैं। वह अपने शिष्यों से कहते हैं कि एक धनी व्यक्ति के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने की तुलना में एक ऊंट के लिए सुई के छेद से गुजरना आसान है। यह चौंकाने वाला कथन केवल भौतिक संपदा के बारे में नहीं है, यह ऐसे किसी भी चीज के बारे में है जिसे हम अपने जीवन में ईश्वर से भी ऊंचा स्थान देते हैं। धन अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन यह अक्सर आराम और सुरक्षा लाता है जो हमें ईश्वर पर हमारी निर्भरता को भुला सकता है। जब प्रभु येसु कहते हैं कि अमीरों के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है, तो वह सांसारिक चीजों से जुड़े होने के खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। चाहे वह पैसा हो, स्थिति हो या रिश्ते भी हों, जो हमें पूरी तरह से उनका अनुसरण करने से रोक सकते हैं। लेकिन प्रभु येसु हमें निराशा में नहीं छोड़ते। जब शिष्य चकित होकर पूछते हैं, फिर किसका उद्धार हो सकता है, प्रभु येसु ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, मनुष्यों के लिए यह असंभव है, लेकिन ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यह एक अनुस्मारक है कि हमारा उद्धार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कमा सकें। यह ईश्वर का एक उपहार है जिसके लिए हमारे सहयोग की आवश्यकता होती है, और अंततः यह उनकी कृपा से संभव होता है। तब पत्रस ने प्रभु येसु को याद दिलाया कि शिष्यों ने उसका अनुसरण करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। प्रभु येसु ने इस जीवन में और आने वाले जीवन में महान पुरस्कार के वादे के साथ जवाब दिया। फिर भी वह यह भी चेतावनी देता है कि जो पहला है वह आखिरी होगा और आखिरी पहला। यह विनम्रता का आह्वान है जो हमें याद दिलाता है कि ईश्वर के राज्य में सच्ची महानता निस्वार्थ सेवा और ईश्वर को अन्य सभी से ऊपर रखने से आती है। तो आइए आज हम अपने जीवन का परीक्षण करें। वे कौन सी चीजें हैं जिनसे हम चिपके हुए हैं, जो मसीह के प्रति हमारी पूर्ण प्रतिबद्धता में बाधा बन सकती हैं? और आइए हम ईश्वर के वादे पर भरोसा करते हुए कि उसके साथ सभी चीजें संभव हैं, ऐसी किसी भी चीज को जाने के लिए कृपा के लिए प्रार्थना करें जो हमें रोकती है।